सर में चोट है। कमल यात्रा निकल रही थी तो हमारे संगठन मंत्री मनमोहन सिंह आए हुए थे, छठी संगठन मंत्री मनमोहन सिंह। लिहाजा हमारे जिला अध्यक्ष समय दुबे लगातार हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने उनसे शिकायत की, पहले भी मैं कई बार इनकी अध्यक्ष महोदय की शिकायत कर चुका था, तो कल भी मैंने उनकी शिकायत की। शिकायत करने के बावजूद जैसे ही मनमोहन सिंह ने उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, औरैया आ जाएं, पांच लोग आ जाएं, मैं वहाँ आपकी बात पूरी बात सुनता हूँ। जैसे ही वो निकले उनके पीछे ये लोग थे, जैसे ही वो निकले तो अशोक चौबे ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्ष ने उनसे कुछ कहा और मेरी समझ से कहा कि इस साले को निपटा दो। परसों दर्ज हुआ था जिसमें कि जो वर्तमान ब्लॉक प्रमुख महबा हैं उन्होंने जो पराजित पक्ष है ब्लॉक प्रमुख में, जो उनके प्रत्याशी रहे हैं निकटतम प्रतिद्वंदी, उनके खिलाफ कराया और उनकी टीम के खिलाफ कराया था। बाद में जो जिसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था यानी हारे हुए प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख, वो आए थे और उन्होंने बताया कि हमारे भी चोटें आई हुई हैं, हमारे कुछ साथी जो थे उनको भी चोटें आई हुई हैं, हमारा मेडिकल परीक्षण कराया जाए और हमारा मुकदमा पंजीकृत किया जाए। थाने पर पंजीकृत नहीं हुआ, जिस पर आदेश किया गया था क्षेत्राधिकारी से प्राइम फेस उसकी जांच कराई गई तो घटना में कुछ चीज़ें सही पाई गई, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। उसमें लोगों ने तकरीबन 8 लोगों का नामजद किया, इसमें जिला अध्यक्ष बीजेपी का भी नाम सम्मिलित है। विवेचना में जो भी दोनों पक्षों का मुकदमा कायम है, गुण दोष के आधार पर जो सही बात होगी उसको उस विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा और निस्तारण किया जाएगा। जो भी आपराधिक इतिहास है, हिस्ट्री सीटर है या कुछ भी है, लेकिन यदि मारपीट या किसी ने अपने आरोप लगाया कि मुझे गोली मारी गई है वो अलग इशू है, हिस्ट्री सीटर होना अलग इशू है, लेकिन यदि आरोप इस तरह के लगे हैं कि गोली लगी हुई है, मेरा मेडिकल परीक्षण कराया जाना जरूरी है, तो मुकदमा लिखाने का उसका भी अधिकार है और मुकदमा लिखा गया है।